नमो हरिहन्ताणं सुणं नमो आय रयाणं नमो अध्याया सौवसां मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे तत्वा सूत्र की चर्चा अपनी क्रम से चल रही है और इस चर्चा में कल हमने एक प्रकरण शुरू किया था जिसे हमने बोला था कि ये आ, क्या कहते हैं मिक्स वाली बात अब चालू हो रही है किसकी बात मिक्स वाली बात और मिक्स वाली बात का मतलब क्या है कि अभी जो चर्चा चलेगी वह है जीव और शरीर दोनों को मिला के चलेगी है ना? और जीव और शरीर को मिलाकर जो जो भी अवस्था बनती है ऐसे उस शरीर सहित आत्मा को भी व्यवहार से जीव कहते हैं और चरणान योग में उसको ही मुख्य किया जाता है अपने आचरण के लिए भी उसको मुख्य किया जाता है और अन्य जीवादि की रक्षा के लिए भी उसको मुख्य किया जाता है ऐसा वह जीव क्या क्या आगम में कहा गया है वो हम अभी यहाँ समझना चाह रहे हैं ठीक है ना? तो ये बात वहां पर आई थी तो कल हमने समझा था कि दो प्रकार के जीव होते हैं संसारी जीव और मुक्त जीव है ना? और संसारी में सैनी असैनी मुख्य भेद होते हैं फिर संसार की बहुत सुंदर व्याख्या की थी जिसका मतलब था कि संसार कोई एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं है जीव के अंदर में जो भाव भाव पड़े हैं, वो रागादी भाव ही संसार। इसीलिए जो श्रीमद ने कहा एक जगह बहुत सुंदर लाइन कही है उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार ज्ञान कला प्रकाशते विलय थता नहीं वार ये बहुत अच्छी लाइन है मुझे बहुत प्रेरित लगती है कि सारे के सारे संसार की उत्पत्ति अल्टीमेटली किससे हुई है उपजे मोह विकल्प थी ये सारा संसार मतलब और उत्पत्ति होना ये तो बात की बात रही ये तो भविष्य का संसार है लेकिन वर्तमान का संसार क्या है बोले वर्तमान का संसार मात्र मात्र आपके रागादी भाव अगर आप रागादि भाव को छोड़ दिए अगर आपने अपने रागादी भाव को छोड़ दिया तो आप कहीं भी जाए आप मुक्त ही हैं। और अगर आप अपने रागादी भावों में ही पड़े हुए हैं तो आप कहीं भी जाए तो भी आप संसारी ही हैं। इसीलिए अपने संसार का कारण अपने में खोजें बाहर नहीं खोजें अपने संसार का कारण अपने में खोजे अपने अंदर में जो सार सारे लोग कहते हैं सारा संसार दुखी है सारा संसार बुरा है ये है वो है संसार बुरा भला कुछ नहीं है एक क्या कहते हैं ईसाई पादरी था उस ईसाई पादरी को भारतीय दर्शन और उसमें बड़ा रहस्य था रस था और उसने पूरे क्रिश्चियन धर्म का अध्ययन किया और उसके बाद में सत्य को खोजने के लिए वो भारत में आया और भारत में आके वो सबसे पूछता कि संसार क्या है तो बहुत सारे लोग अलग अलग उत्तर देते कुछ नहीं भी देते तो वो खोजते 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 वो एक साधु के पास में आया दिगंबर साधु के पास में आया और उसने कहा कि संसार क्या है तो दिगंबर साधु ने बोला कि मेरा संसार तो आनंदमय है तो भूत तो अरे आप तो गलत बोल रहे हो मेरे पोप ने तो मुझे सिखाया है कि संसार तो जलते हुए ज्वालामुखी के जैसा है उठते हुए भवंडर के जैसा है दुख दुख वाला है ऐसा है वैसा है तो बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया कि भाई वो उनका संसार होगा मेरा संसार तो आनंद वाला है अंतर ख्याल में क्योंकि संसार मतलब बाहर में है ही नहीं अगर आपके अंदर तत्व ज्ञान है तो आपके अंदर भावों का अभाव है और मोह राग आदि भावों का अभाव है तो आपके अंदर में आप किसका वेदन करोगे ज्ञान ध्यान आनंद का तो वो मेरा स्वरूप है तुम्हारे तो यहाँ पे रागदेश का सद्भाव है तो तुम किसका वेदन करोगे अज्ञानता का पॉइंट समझ में आए कि नहीं है यानी बाहर कुछ नहीं है जो है वो भीतर समझ में आया कि नहीं है इसीलिए इस चीज को थोड़ा गंभीरता से विचार करते हुए संसार को बदलना है जब जब भी मतलब हम ऐसी बात है हमें संसार को बदलना है जैसे ही बात करते हैं ना तो बस अस्थि ने चढ़ गई अब आ जाओ सामने ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना कर दूंगा अहंकार 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 अरे भैया ये अहंकार कर कर के आज तक कौन किसको बदल पाया समझ तो में आ रहा कि नहीं आ रहा कोई किसी को नहीं बदल पाया इसीलिए जब हम ये कह रहे हैं कि संसार को बदलना है तब हमें केवल एक ही दृष्टि होनी चाहिए वो ये कि मैं मेरे रागादी भावों से दुखी हूं और मैं उन रागादी भावों को बदलकर सुखी हो सकता हूं जीवन में एकमात्र बदलाव अगर कोई कर सकते हैं तो हम मात्र इस पे कर सकते हैं कि तत्व ज्ञान के द्वारा अपने रागादी भावों का अभाव करना इसके अलावा दूसरे और कोई चीज में किसी का बस चलता नहीं है ये बात हमें बहुत गहराई से समझना ठीक है ना तो हर एक जीव का संसार कहाँ है उसके अंदर में ही है इसी को अब देखो और बहुत अच्छे से बताते हैं संसार के चार चिन्ह बताए यहाँ पर कौन कौन से चार चीजों को समझना संसार के चार चिन्ह बोले हैं पहले नंबर जो जो संसारी होता है वो चार गति में परिभ्रमण करता है बराबर अब चार गति आपको पता है ना नरक त्रेंच मनुष्य और देव छेड़ाला पहली ढाल सबको लगभग लगभग कंठस्थ होनी चाहिए आप जब भी जिनवाणी पढ़ेंगे तो आपको ये चार गति के दुखों का वर्णन बता चलेगा और सही भी है। चार गति में अभी विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं, तो बहुत लंबा है कि कौन सा क्या जीवन है मुझे बताओ आप पहले जब आप देखोगे तो निगोद में सांस के अठारह बार जन्म मरण वहां से निकलकर एक इंद्री हो जाते हो पेड़ पौधे पत्तियां बन गए हवा बन गए पानी बन गए जीव मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा महा पैरों के नीचे रोंदे जा रहे हो अग्नि के नीचे जलाए जा रहे हो पवन की भांति उड़े जा रहे हो कहा सुख है इसमें फिर आगे निकलकर त्रस हो गए त्रस मतलब चिंता मणि रत्न मिल गया चिंता मणि रत्न मिला लेकिन आप सच बताओ कौन गिन रहा है इन जीवों को अभी मैं बैठा हूं आप लोग भी बैठे हों लाइट जल रही है कितने जीव उत्पन्न हो रहे कितने जीव मर रहे कौन गिन है इनको और शास्त्रों में उसे चिंतामणि रत्न बोला दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी अब सोचो जरा इस जीव का परिणाम कि यहां त्रस पर और उसमें आप विचार करते जाओ सुख आया बड़े हुए पंचेंद्री बने पंचेंद्री बने तो कभी गाय बकरी बने तो कभी किसी ने आपको खा लिया कभी शेर बने तो आपने किसी को खा लिया बजन, सर्दी गर्मी भूख प्यास कौन क्या देख रहा है विचार करके तो देखो आ, 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 है? समझे कि नहीं समझे मुझे जब त्रेंज गति के दुख ख्याल में आते हैं ना तो बहुत सारी बातें ख्याल में आती है एक तो अपने मंदिर के सामने घटित हुआ था कि वो न, दो कुत्ते भादर का महीना है ना भादरवा का तो इनका इनका ये पपीज होते हैं शायद के आगे पीछे इसी काल में होते हैं तो वो दो, दो हुए बच्चे उसके और दोनों मंदिर के पास में थे जो रात की क्लास में आते उन्हें पता होगा कि वो यहाँ से वहां एक तो मेरी आंखों के सामने यहाँ से दौड़कर उस तरफ जाने के लिए गया तभी वहां से कार आई और कार आई सर्ट कर दिया पूरा का पूरा वापिस ही नहीं आ पाया अब एक दिन पहले एक मर गया और दो दिन बाद दूसरा भी मर गया अब वो कुतरी है ना कुतरी वो उस मरे हुए कुत्ते के पास उसको चाट रही उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही अब बताओ तो, कोरोना के कारण अगर किसी के दो बेटे हों और दो जवान बेटे एक साथ मर जाएं तो सारे जगत में वो सांत्वना का पात्र हो जाता है होता कि नहीं होता उस पुत्री के भी दो बेटे थे बेटे बेटी जो भी हो एक साथ दो दिन के अंतर में मर गए और कौन आंसू बहा रहा कौन क्या कर रहा ये के दुख है। उन मुक प्राणियों की पीड़ा ये त्रंश गति के दुख है। वहां से निकलकर नरक में जाओगे तो वहां के दुखों का तो पार नहीं हो क्या कहें शास्त्रों में ऐसा आता है कि जीव जितने सागर की आयु लेकर उत्पन्न होता है ना उतने सागर तो नरक गति में डांस कर डांस करता रहता मतलब जैसे तैतीस सागर की आयु ना तो तैतीस वर्ष तक कांस्टेंट वो नरक की भूमि को छूता है और फुटबॉल की भांति फिर जंप करता है फिर छूता है फिर जंप करता है फिर छूता है फिर जंप करता क्योंकि इतना कतहा भूमि पर सतुखो और बिच्छू सहसे डसे नहीं तिशो ऐसा भयंकर दुख उसे कब तक होता रहता है साहब ऐसा भयंकर दुख उसे जितने सागर की आयु है उतने वर्षों तक होता रहता है आप सोचो जरा हम्म क्या कहें आप बहुत छोटे से प्रयोग से समझ लो कि आप बी में बैठ के गए ट्रेन में कहीं बैठ के गए और आप जिस सीट पर बैठे उसी सीट पर एक पिन लगा हुआ हो और आपको दिख नहीं रहा और पूरी रास्ते वो पिन आपको चुभता रहे क्या हालत होगी आपकी पिन है यहाँ कोई तीन चार सौ चालीस वर्ड का झटका नहीं है आप सोचिए थी, थी? खुच तो तो क्या थी आम तो क्या थी तेम तो बोलो एक रात जरा सा पिन जरा सी फांस आपके तन में लगती है आप उसे सहन नहीं कर पाते हो कल्पना तो करके देखो कि ऐसी पीड़ा सागरों तक कैसे झेलोगे जितने सागर की आयु उतने सागर तक सैकड़ों वर्ल्ड करोड़ों वर्ल्ड का झटका लगता हो ना ऐसा करंट लगता है और व्यक्ति फुटबॉल की भांति अप डाउन अप डाउन ऐसा तो नरक गति का प्रारंभिक दुख है और जैसे ही आप जाते हो तो अपन तो वेलकम की इच्छा रखते हैं और वहां जाते ही मारो काटो मारो काटो के शब्द सुनाई देते हैं एक बहुत छोटा सा आडियो है पांच सात मिनट का नरक गति के दुख के बारे में आप लोगों ने शायद देखा होगा नहीं देखा होगा तो आज देख लेना होमवर्क के रूप में नरक गति के दुख यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आ जाएगा आप उन दुखों को पंद्रह मिनट देख नहीं पाते हो और ऐसे दुखों को भोगने की सागरों तक भोगने की तैयारी करते हो ये हमारी महानता है कि मूर्खता हमें समझ में नहीं आता ये सच बता रहा हूं थोड़ा अप्रिय लगेगा ये जितना भी धन आपने तिजोरियों में बैंक में में रखा है ये सारा का सारा धन नरक को ले जाने वाला टोकन है समझ लो आप इस जगत में भले ही बहुत सेठाई बता रहे हो पैसे के कारण अरे हम तो सेठ आदमी है हम तो सेठ आदमी हम तो सेठ आदमी है ओ, 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 ओ ये ये सब ये सब नरक गति का द्वार है।, आ, ये टोकन है नरक का लेकिन मोह के कारण कहीं लगता है क्या मैं सच बताऊं जिस दिन धन का संयोग हो उस दिन तो स्वर्ग का द्वार खुल गया ऐसा लगता है और जिस दिन धन का वियोग हो उस दिन तो नरक तुल्य दुख लगता है ऐसी तो हमारी इस धन के प्रति आस्था है मतलब गजब है धन का होना वो अलग बात है लेकिन धन के होने में हम उसको इतना भूल ही जाते हैं कि आरंभ आयुषा कि जो चीज हमने इकट्ठी करके रखी है वो चीज कितनी भारी आज कोरोना में हम कितना सिखाते हैं सबको कि भैया आलस मत करो हाथ धो के पियो भाप लो गरम करो ये करो वो करो कितना ध्यान देते हैं क्यों क्योंकि एक सेकंड अगर आपने असावधानी किए तो आपको चौदह दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा हैं 14 दिन क्वारंटाइन रहने के नाम पे घबरा जाते हो और सागरों तक नरक में रहने के साधन घर में रखते हो ये मूर्खता नहीं तो क्या है भाई साहब हैं बोलो ना ना कोरोना में तो पची कोविड में कोई मड़वा नहीं आई सके ना अरे नरक में जे आओ से बड़ा डंडा लेने आव से तू करशे दंडा भर गति भाव में मा रंजाय दुख है ये तो मतलब मैं बोल रहा हूं आपको विस्तार तो आप पहली ढाल पढ़ेंगे तो ख्याल में जाएगा मनुष्य गति का दुख तो आपको पता ही है कि जन्म में लेकर मरण तक कुछ ना कुछ, कुछ कुछ न कुछ नौ, कुछ ना कुछ, कुछ चलता ही रहता है बस इस मनुष्य गति में इतना विशेष है कि जो जिनवाणी के पास में है वो व्यक्ति जंगल में जैसे कोई तालाब के किनारे हो बराबर वो जंगल में जैसे कोई तालाब के किनारे रहने वाला सुखी है ऐसे इस कली काल में ये जिनवाणी के पास रहने वाला सुखी है इतना समझ लेना जैसे जंगल में कोई तालाब के किनारे रहने वाला सुरक्षित है ऐसे ही इस कली काल में जिनवाणी के पास रहने वाला सुरक्षित है जो जो ओ, 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 जो जो ओ इस काल में जिनवाणी के निकट है, वो सुखी है। तत्व से भरे वो सुखी है बाकी तो हरेक जीव हमें दुखी ही दिखाई देता है देवगति का दुख ये समझाना थोड़ा भारी पड़ता है लेकिन विषय चाह की हम बहुत गहराई से समझे तो पता चलेगा कि विषयों की इच्छा कितनी भयंकर होती देखो जो भी समस्या है सिर्फ इच्छा की है और नरदेव गति में ऐसी लोभ की इच्छा बहुत है इसीलिए जिसके पास जो सामग्री है उससे वो तृप्त नहीं है बढ़ाने का कोई अवसर नहीं है इसलिए सागरों तक दुखी ही होता रहता और मैं तो थोड़ा अधिक यहाँ कहना चाहूंगा कि देव गति में जीव मनुष्य से भी अधिक दुखी कारण क्या बहुत क्लियर गणित है क्योंकि मनुष्य गति में तो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है कर्म का होते खिरता है या बदलता है तो आप आप प्यून हो ना तो प्यून हो तो आप जाके मैनेजर भी बन सकते हो लेकिन देव गति में बड़ा गजब है एक व्यक्ति सागरों तक डेप्यूटी सीएम रहता है और दूसरा कल का आया हुआ व्यक्ति सीएम बन जाता है पीएम बन जाता है उसे उसकी सीनियरिटी का ख्याल नहीं आता होगा कि हम तो फालतू इतने टाइम तक असिस्टेंट की पोस्ट पर रहे और ये कल का छोकरा आज का इंद्र बन गया हमसे किसी ने पूछा ही नहीं आप सोचो जरा किसी ऑफिस में आपने ज्वाइंट हुए हो आप 20 साल से नौकरी कर रहे हो और आपकी पगार पचास हजार हो बराबर और एक व्यक्ति को जॉब कर ले स्वीकार करते समय बोले तुम्हारी पचहत्तर हजार रुपए पगार अब बताओ उस पचास हजार के बारे में क्या बीतती होगी कि हम घिस घिस मर गए तो पचास पर पहुंच पाए और तुम एक दिन में आए और पचहत्तर मतलब वो दुखी वो पचास हजार का सुख ले ही नहीं पाएगा ये देवगति का दुख है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इसीलिए जब आप अगर कोई भी जीव ऐसा समझता है कि हम देवगति आदि में सुखी हो जाएंगे भाई साहब चार गति दुख से भरी चारों की चार गतियां हैं, उनमें दुख ही दुख है या मैं सुख ना ही लगा रहा और ऐसे चार गति में परिभ्रमण करने वाले जीव संसारी होते हैं आप देखो दूसरा लक्षण क्या बोला पंच परावर्तन करने वाले पंच परावर्तन ये भी बहुत अधिक है मैं कितना बताऊं इसके बारे में विस्तार अभी नहीं करूंगा लेकिन सरल भाषा में आपको जरूर कहना चाहूंगा दो बातें एक तो संजीव जी गोदा ने काल चक्र नाम की एक बुक लिखी है डॉक्टर संजीव गोदा ने बहुत अच्छी बुक है बहुत छोटी सी बुक है पचास साठ पेज की बुक है आप पढ़ना ऐसा हो तो मैं शेयर भी कर दूंगा बराबर उस चीज को आप देखना मैं अत्यंत संक्षेप में आपको बताऊंगा कि एक एक परमाणु कैसा है इस पर्याय में आपने जो भी परमाणुओं को पाया है वो सारे के सारे परमाणु अनंत बार आप पा चुके एक एक परमाणु को पाया फिर छूट जाए फिर दो परमाणु तीन परमाणु ऐसे करते करते आपके शरीर के जितने भी असंख्यात असंख्यात परमाणु है वो दोबारा आपके संयोग में आ जाएंगे तो वो पहला परिवर्तन द्रव्य परावर्तन कहलाएगा ये बहुत ही संक्षिप्त क्षेत्र एक एक जगह पर आप उत्पन्न हो जाएंगे और होते हैं हो चुके हैं आज भले ही आप अमेरिका स्विट्जरलैंड इनको देखकर पागल जैसे हो जाओ कोई विदेश जाए तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन इतना सुनने को मिलता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आ रहा हो मतलब संजीवनी बूटी लेकर आ रहा हो मूर्खता है भाई साहब क्या कॉन्ग्रेचुलेशन है उसमें आ, जिस जगह पर तुम जा रहे हो उस जगह पर तुम ऑलरेडी जन्म ले चुके हो और उस जगह पर भी मर चुके हो क्या आनंद हुआ ये सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी को ये सुन ले तो भैया तुम्हारे अहमदाबाद में रहते हो अरे वाह भैया तुम्हारी तो क्या बात है ऐसा है ना वैसा और अहमदाबाद में रहना इसमें क्या है भैया गांव में शांति ऐसा होता है कि नहीं होता तो जिसने अहमदाबाद देखा नहीं उसे अहमदाबाद का आकर्षण है जिसने अहमदाबाद देख जान लिया उसे लगता है कुछ नहीं है ऐसे ही विदेश है ऐसे ही विश्व है एक एक जगह पर तुम भली भांति उत्पन्न हो चुके हो मर चुके हो इसीलिए कोई भी क्षेत्र आकर्षण का काल नहीं होना चाहिए कारण नहीं होना चाहिए एक एक काल में तुम जन्म ले चुके मतलब समझ रहे हो ना कल्पकाल ओ हो क्या है मैं कितना बताऊं कि बीस कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है उस सागर के पहले समय में जन्म लो बराबर फिर घूमो दूसरी जगह फिर ना जाने घूम घूम कर फिर कितने यहां पे कल्प काल आए तब ऐसा कल्प आए जब आप दूसरे समय में उत्पन्न हो फिर भूल जाओ फिर सैकड़ों भवों निकल जाएंगे फिर यहाँ पे तीसरा कल, आने को कल्प काल के बाद में कोई कल्प काल आए जिस कल्प काल के आप तीसरे समय में जन्म लो ऐसा करते करते जब आप 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कल्प काल के प्रत्येक समय में जन्म ले लेंगे प्रत्येक समय में मरण कर जाएंगे तब आपका एक काल परावर्तन पूरा होगा और ऐसा काल परावर्तन जीव ने अनेकों बार किया और उसके बावजूद भी इसे हैप्पी बर्थडे मनाना हैप्पी और बर्थडे है बोलो विचार हैप्पी पनिशमेंट डे है ये तो हमारे लिए दुखमयी पनिशमेंट डे क्या कहें नहीं समझ में आती भाई साहब काल की महिमा है क्षेत्र की महिमा है और और देखो क्या लिया है भाव परावर्तन भाव परावर्तन भाव परावर्तन पहले भाव परावर्तन क्षेत्र काल भाव और भाव भाव परावर्तन क्या कहलाता है देखो समझना भाव परावर्तन मतलब चारों गतियां होती ना चारों गतियां हमें लगता है बहुत हमारे अंदर में गहरी इच्छा होती है कि मर के देवगति में चले जाए मर के कहा चले जाए देव गति में इसीलिए कोई गारंटी दे या ना दे हम लोग खुद ही स्वर्गीय शब्द जोड़ देते हैं स्वर्ग में चले जाए लेकिन भाई साहब आपको पता है क्या कि स्वर्ग की एक भी आयु ऐसी नहीं है जहां हम नहीं मतलब दस हजार वर्ष की स्वर्ग की आयु आपने बांधी फिर दूसरी बार घूमते घूमते दस हजार एक समय की आयु बांधी फिर अनंत बार घूमने के बाद जब आप दस हजार दो समय की आयु बांधोगे फिर दस हजार तीन समय की आयु बांधोगे दस हजार चार समय की आयु बांधोगे ऐसा करते 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 तैतीस सा, इकतीस सागर थर्टी वन सागर में जितने भी समय होते हैं उतने समय की आप स्वर्ग की आयु बांधो समझ में आया ये तो हुआ देवगति का फिर वैसे ही दस हजार वर्ष से लेकर तैतीस सागर तक आप नर्क की एक एक समय की आयु बांधो फिर त्रेंज में एक समय से लेकर तैतीस सागर तक वो त्रेंज को तीन पल तक के त्रेंज की आयु बांधो और मनुष्य की आयु बांधो एक एक समय की आयु और ये सब हजारों बार होता है आप सोचो एक समय चपटी में तो असंख्या तो समय हो जाते ऐसे घुमाने में कितने समय निकल गए असंख्या तो समय निकल गए अब क्या विशेषता रही मुझे बताओ कोई सौ साल का होके गुजरे तो हम कहते हैं अरे वाह 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 क्या बात है साहब आप तो बहुत पूर्ण आयु पूर्ण आयु क्या खाक पूर्ण आयु कुछ पूर्ण आयु नहीं अनेकों बार हो चुकी है सागरोध की आयु तो हमें मिल चुकी है अब इसमें क्या बड़ी बात है अब आप सोचो मैं इतना आपको समझाना चाहता हूं कि ये सब आप जब सुनते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलता है जब आप ये सब सुनते हैं तो इसका परिणाम ये निकलना निकलता है कि ओह हो, हो हो इस संसार में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने भोगी ना हो देखी ना हो जानी ना हो गया ना हो उत्पन्न ना हो छुआ ना हो हर चीज अनेकों बार कर चुका हूँ प्रभु हर चीज अनेकों बार कर चुका हूं विचार कर आ, आ, आ। करके देखो अभी नहीं जानते भूल जाते तो सब आकर्षण लगता है याद रहते तो सब लगता है इसमें क्या बड़ी बात है इसमें क्या बड़ी बात नरकों के दुख से बच रहे हो नरक में ना जाए भैया नरक में ना जाए नरक में ना जाए लेकिन तुम्हारा बहु परावर्तन चालू हुए तो तैतीस सागर में जितने समय होते ना उतनी बार तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो वो बड़ी कॉमन चीज है साहब हजारों बार हो चुके हैं इसमें बड़ी बात क्या है अनंत अस्तित्व में ऐसा कुछ भी अघटित घटित नहीं होता है सब कुछ रिपीट ही होता है बराबर इसीलिए भैया इस पर्याय को बहुत ज्यादा तवज्जो मत दो हम लोगों की समस्या ये है कि हमने अपना पूरा अस्तित्व हमने अपनी पूरा एग्जिस्टेंस सत्ता इस पर्याय से जोड़ दी है साहब कहते हैं अहो इस पर्याय का काल तो क्षणिक दस पांच साल के खाने की व्यवस्था कर ली बीस पच्चीस साल के रहने के लिए जिस मकान में रहना उसकी व्यवस्था कर ली बीस तीस साल रिटायरमेंट के लिए खाना उसकी व्यवस्था कर ली बेटे बेटियों की व्यवस्था कर हमने अपना पूरा जीवन जी लिया ऐसे ऐसे करके हाथ करके करके अपना था, था, बहुत बड़ी हमने तो अपने पूरा जीवन जी लिया बोले क्यों साथ? खुद का मकान कर दिया है ना बेटे बेटियों को सेट कर दिया रिटायरमेंट की प्लानिंग कर दी कितनी ये सब टोटल प्लानिंग कहां तक रही ने? अगर आप पचास के हो तो मैक्सिमम तीस साल की चालीस साल की उसके बाद के सागरों का क्या इसे प्लानिंग बोलते हो अनंत में से चपटी के जितना समय उसकी आपने प्लानिंग की और आपने ये मान लिया कि हमने पूरा जीवन जी लिया अरे प्रभु अनंत 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 काल तक सुखी होने की व्यवस्था जब तक ना हो तब तक ये नरभव अधूरा है और अनंत काल तक सुखी होने की व्यवस्था अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा के अनुभव से होती है इसीलिए हे भव्य कोटि उपाय बनाए भव्यता को औरानु ये बात यहां समझना करोड़ों करोड़ों उपाय करके भी अगर इस आत्मा के लिए कोई काम कर सकते हो तो करना हां नहीं तो काम नहीं होगा समझ तो में आया क्या कहें बातें तो बहुत सारी है ना तो ये चीज को यहाँ पता है पांच ये तो हुआ कौन सा काल परावर्त सॉरी भाव परावर्त और भाव में भी आपको एक दिन अच्छे भाव चले ना अपनी पीठ थपथपाने आज मेरे बहुत अच्छे भाव हुए साहब मैं अभिषेक करने लगा बहुत अच्छे भाव हो गए मैं स्वाध्याय करने लगा एक घंटे बहुत स्वाध्याय करने लगा बहुत अच्छे भाव हो गए लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एक भी भाव ऐसा नहीं है जो तूने नहीं किया लेकिन ये सब औदयिक भाव है लास्ट में सब खत्म हो जाते इसीलिए प्रभु परम पारिणामिक भाव जो गायक भगवान आत्मा है उसके अनुभव के बिना सब सुना सुना है इसीलिए अगर आप सब या हम में से किसी को भी अपने पंच परावर्तन रूप संसार को हटाना है तो ये काम करना पड़ेगा अभी तो हालत ये है कि भैया हमें स्वाध्याय भी करना है तो दुकान खोलकर करना है प्रवचन भी सुनना है तो टीवी चलाकर सुनना है काम भी करना है तो मतलब टू इन वन दो काम एक साथ करने हैं घर में आप सुनते हैं किसी कोई दुकान पे सुन रहा है कोई टीवी चला के सुन रहा है कोई मतलब इस भाव के लिए सब तैयारी है और भाव के अभाव के लिए कोई तैयारी नहीं क्या कहने आप बताओ हम्म विचार कर और हमेशा हमारे पास में अभी मार्च एंडिंग है अभी मार्च स्टार्टिंग है अभी बच्चों के एग्जाम है अभी सर्दी है अभी गर्मी है अभी आईपीएल है अभी भलाना है और ऐसे करते करते जीवन चला देते हैं पूरा का पूरा सोचना ये काम आसान नहीं है जो इसको आप करना चाहते हो ठीक है तीसरे नंबर संसार का क्या चिन्ह दिया जन्म मरण रूप संसार पुनः जन्म करना ना पुनः मरण करना आ, बार बार ये मरण की याद क्यों दिलाते हैं मुझे इतनी से बता दो मरण को याद दिलाने की क्या जरूरत है क्यों मरण की याद दिलाई जाती है कौन बताएगा बड़ा सरल सा उत्तर है मरण को जब सबसे तक... ज्यादा भय है। मरण का भय है और ये अभी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा मैंने इसीलिए पॉज लिया ये सब कोरोना का भय ये है क्या भय બડી મહામારી કા ભય ભી તો ક્યાં હે જુદા જુદા ખાધું ટામેટા નું શાક કર્યો વાર્તા પૂરી શું ફલ પાડો શું વિશેષ પણ ના ના પંડિતજી મનુષ્ય પર્યાય ની ચિંતા છે આછા મનુષ્ય પર્યાય માટે શું કરો છો એવું બધું તમે વિશેષ बोलो अमूल्य नर भाव अच्छा नर भाव की तो क्या कहते हैं मटिया मेट करने पर तो ले हुए हो। लाड़ी वाड़ी गाड़ी के चक्कर में अब क्या नर भाव के लिए किया तुमने तो उद्धार बातें बड़ी बड़ी करना और काम थर्ड क्लास करना है सोचो जरा हा हा भाई ये मनुष्य का मरण का भय क्यों है आचार्य इस बात की प्रती कराते हैं कि तुझे जब तक क्या कहते हैं मरण की बात नहीं बताई जाए जब तक इस पर्याय की नश्वरता नहीं बताई जाए तब तक तू शाश्वत के प्रति रुचिवंत तो होते ही नहीं जब तक इसीलिए इस बात की नश्वरता बताई जाती है कि जन्म है तो मरण है जन्म है तो मरण है जन्म है तो मरण है ये पागल लोगों ने मरण की बातों को अशुभ कह, कह कर उसको जीवन से निकाल दिया और जन्म को इतना ज्यादा हाइप दे दिया कि मानो हमें ऐसा लगने लगा कि जन्म तो अनंत काल तक टिकने वाला है और मरण मेरा कभी नहीं होगा दूसरों का होगा तो होगा मेरा कभी नहीं होगा और मरण की बात को अशुभ कह दिया और जन्म की बात भले ही महामूढ़ता वाली हो कौन सी बात महामूर्ता वाली हुँ? तो वो हमें अच्छी लगी महामूर्ता वाली महामूर्ता में क्या करते हैं? हम किसी को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं और मूर्ता में कह देते भैया तुम हजारों साल जियो तुम्हारे दिन पचास हजार हो ये महामूर्ता की बात है नहीं तो और क्या बोलो तो कि नहीं, नहीं इसीलिए कहते हैं भाई साहब अपनी निधि को लुटाकर हर्षित होने वाला पागल कहलाता बुद्धिमान नहीं कहलाता और इस पर्याय में बहुत सावधानी और गंभीरता के साथ आपसे बात कहना चाह रहा हूं अगर हमारी कोई पूंजी है तो हमारे बैंक में पड़े हुए पैसे हमारी पूंजी नहीं है हमारा जो इस पर्याय में टिकने का जो आयु कर्म है ना वो, वो हमारी पूंजी है टाइम जिस टाइम हम इस पर्याय वो हमारी पूंजी है और हर वर्ष हमारी पूंजी लूटती है और हर वर्ष हम खुशियां मनाते हैं आ, खुद के लुटने पर खुद का जश्न है ये नहीं तो क्या है भाई साहब? इसीलिए कहते हैं थोड़ा विचार कीजिएगा कि जन्म की अशुभ नहीं समझना मरण की बातों को शुभ समझना जिसके अंदर में वैराग्य का भाव आवे उससे शुभ और कुछ नहीं होता और जो आपको भटकावे उससे अशुभ कुछ नहीं होता इसलिए जन्म दिवस का आनंद मूड़ता का है और मरण का भान ये आपका विवेक है इसलिए आचार्यों ने बताया हमारे लिए कि प्रतिदिन तू संसार का विचार कर संसार भावना भा संसार भावना भा मतलब क्या कि जिस जिस जीव ने जन्म लिया है वो नियम से मरण को प्राप्त करेगा ये विचार ही तेरे अंदर में वैराग्य का संचार करेगा इसीलिए जन्म के साथ में मरण को बोला बराबर तो संसार भावना मतलब क्या रही जन्म मरणमय चीजों का विचार करना बराबर शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा जीवन ऐसे जियो कि जैसे यमराज ने आपकी चोटी पकड़ के रखी हो ऐसा बोला यमराज ने क्या पकड़ के रखा हो तुम्हारी चोटी चोटी पकड़ने का क्या मतलब है मतलब तुम्हारा जीवन है ना वो बिल्कुल ये समझ लो कि एक और नियम साल में बहुत सुंदर उपमा दी है कैसी की काल रूपी मगरमच्छ के जबड़े में फंसा क्रोकोडाइल होता है ना कोकोडाइल वो कौन सा क्रोकोडाइल काल रूपी आप सबसे ज्यादा दांत और सबसे मजबूत पकड़ किसके होते हैं मगरमच्छ के होते हैं आप ये समझ लो आपका जीवन उस काल रूपी क्रोकोडाइल के दांतों में है उसकी मर्जी है तब तक आप जी रहे हो आपके प्रयासों से नहीं चलना आपने बहुत मास्क लगाए लेकिन तो भी डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को आ गया कि नहीं आया कोरोना मलेनिया मेलेनिया क्या है अब बताओ तो हम इतना कहते हैं बहुत ध्यान रखते हैं हम बहुत ध्यान रखते हैं साहब बहुत ध्यान रखते ये दवा करते वो दवा करते मेरा बहुत सिंपल सा से कहना है कि उस डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल आदमी की पत्नी बराबर समझ में आया यानी कोई सावधानी और सिक्योरिटी में तो कमी नहीं रखी होगी लेकिन तो भी आना होता है तो आ जाता है इसीलिए आप अहंकार के भाव से मत जियो आपको आपको भूमिका अनुसार भाव हो रहे हैं सुरक्षा के उसका मैं निषेध नहीं करता ध्यान रखना मैं मैं बार बार कहता हूं कि मैं मूर्खता की बात नहीं आपको भूमिका ये दशा ऐसी है भय संज्ञा हमारे अंदर में पड़ी हुई है और भय संज्ञा के कारण हम पर्टिकुलर कुछ चीजें विचार करते हैं ये तकरीबन वैसा ही है कि जैसे सर्दी की ऋतु में हम ये विचार करते हैं सर्दी क्यों पड़ रही है सर्दी क्यों पड़ रही है लेकिन हमारे विचार से कोई सर्दी जाती नहीं है गर्मी क्यों पड़ रही गर्मी क्यों पड़ रही हमारे विचार से गर्मी जाती नहीं तो भी हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता उनमें भाषित होती है ये हमारे कमजोरी के कारण हो रहा है लेकिन वस्तु व्यवस्था में फेरफार नहीं होता ऐसे ही अगर आपको भूमिका अनुसार हाथ धोने का मास्क लगाने का ये करने का भाव आवे सो आवे उसका मैं निषेध नहीं कर रहा लेकिन ये समझ लेना कि मेरे उपाय मेरे उदय को बदलने में असमर्थ हैं अगर उस जाति के कर्म का उदय आना होगा तो आएगा डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को आगे इतनी सावधानी के बाद में तो तुम्हारा हमारा किसकी क्या विशाल इसीलिए हमेशा विचार रखोगे कुछ भी हो सकता है ये जानकर भयभीत मत हो ये जानकर आनंद में रहो कुछ भी हो सकता है बस हम निर्बार है। होता मैं जगत मैं करता क्या का। देखो बात ख्याल में अब अब चौथे नंबर का संसार जो बोला है वो क्या है चौथे नंबर का संसार जिसके अपन ने कल चर्चा की थी अपने मोह राग द्वेष रूप भावों का संसार एक्चुअल जो संसार है वो ये कौन सा ओहो मो राग देश रूप भाव हमारे अंदर में जो लगातार रागादि भावों का संचरण हो रहा है उन रागादि भावों के संचरण को संसार कहते हैं इसीलिए जब जब हम ये कहते हैं कि हमें संसार का नाश करना है संसार को हटाना है तब तब हमारी दृष्टि बाहर से घर छोड़ के जंगल में चले जाएंगे परिवार को छोड़कर ऐसे बन बाबा बन जाएंगे बाबा बनने वालों का संसार नहीं हटता ये बाबा तो ना जाने कितने कितने सारे संसार और बना लेते हैं बात समझ में आ रही ना एक चीज मात्र ध्यान में रखना कि जिसने अपने मोह राग दे शादी भावों को नियंत्रित कर लिया उसका संसार नियंत्रित हो गया जिसने अपने मोह राग दे शादी भावों को बढ़ाया उसका संसार बढ़ गया और जिसने अपने मोह राग दे शादी भावों का अभाव कर लिया उसके संसार का अभाव हो गया इसके अलावा संसार की और कोई व्याख्या नहीं है इसीलिए ये चार चीजें जो संसार के बारे में बोली हैं बड़ी गजब है चार गति में परिभ्रमण रूप संसार पांच परावर्तन धारण करने रूप संसार जन्म मरण रूप संसार मोह राग देश रूप संसार जिनको होता है वो जीव संसारी है अब रिवर्स मुक्त जीव